प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स टीम पापा के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अभिभावकों की मूलभूत समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी महोदय आगरा को संबोधित 7 महत्वपूर्ण मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। संस्था के संस्थापक संरक्षक मनोज शर्मा के साथ संस्था संस्थापक सदस्य अमर सिंह सेंगर व शोभित जेटली ने संयुक्त रूप से अभिभावकों के हित में शिक्षा विभाग की लगाम कसने की बात कही है। उनका कहना है कि कुछ निजी विद्यालय लगातार मनमानी करते हुए शिक्षा विभाग मौन रहकर उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। लगातार नियमों की अनदेखी व शासनादेशों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर कार्यवाही नहीं की जाती है, मात्र नोटिस खेलकर खानापूर्ति की जाती है, जो अत्यंत शर्मनाक है। आज संस्था 7 मांगों को लेकर ये ज्ञापित करती है कि ये मांगे अभिभावक हित में अत्यंत आवश्यक हैं व सभी पर मांगे हैं जो नियम सरकार ने बनाए हैं अथवा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से संबंधित रखती है। अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए इन्हें तत्काल पूरा किया जाना अति आवश्यक है, अन्यथा संस्था को आंदोलनात्मक कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। मैं अमर सिंह सेंगर, टीम पापा का संस्थापक सदस्य। मैं आज बताना चाहूँगा कि आज हमारी संस्था ने डीएम साहब को सुबह ज्ञापन दिया। आपको ज्ञात हो कि हमारी संस्था लगातार संघर्ष कर रही है कोरोना काल की फीस माफ़ी के लिए। उसमें अभूतपूर्व एक कोर्ट का निर्णय आया कि 15% तक सभी अभिभावकों को छूट दी जाए, लेकिन विडम्बना यह है कि आगरा में कोई भी स्कूल अभी किसी भी तरह की छूट अपने तरफ से नहीं दे रहा है और साथ में ही ना ही कोई शासन का आदेश जारी हुआ है इस संदर्भ में। आज हमारी डीएम साहब से ये मांग थी कि एक शासन का आदेश पारित करवाया जाए, शासन आदेशित करे स्कूलों को कि वो 15% की छूट को छूट जो हाईकोर्ट ने दी है उसको माफ़ की जाए, जिससे कि अभिभावक को कम से कम उस वक्त के लिए थोड़ी सी राहत मिले। उसके अलावा आरटीई के एडमिशन के लिए लेकर और बहुत सारे कई सूत्री मांग है हमारी, जो हमने डीएम के समक्ष रखी है और आशा करता हूँ कि हमारी मांगें मान ली जाएंगी, क्योंकि जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो आदेश पारित करें और इसका लाभ अभिभावकों को दिलवा सकें। धन्यवाद। मैं मनोज शर्मा, संरक्षक और संस्थापक प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स टीम पापा। आज हमने अभिभावक हितों को लेकर के 7 मांगों पर अपनी माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे कहा है कि तत्काल जो है इस ज्ञापन के जो मांगे हैं अभिभावक हित की उनको पूरा किया जाए। माननीय जिलाधिकारी महोदय आगरा के अंदर नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में ACM 3 साहब ने जो है ज्ञापन को लिया है और हमें आश्वासन दिया है कि इस पर वह आगे कार्रवाई के लिए आगे लिखेंगे और जो मांगे हैं उनको पूरा करने का आश्वासन हमें दिया है, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि यह आश्वासन देने के बावजूद भी काम हो पाएगा। लगातार कोरोना काल से हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करने के बाद में केवल नोटिस और कागज खेल करके अभिभावक के साथ में छलावा किया जाता है। हमारी 7 मांगों में पहली तो फीस ही की है कि 15% हम बड़ी मुश्किल से लड़ाई को लड़ करके आए हैं। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश प्राप्त हुआ उसके ऊपर अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। दूसरा, RTI का दाखिला पिछले सत्र में सभी ने देखा कि किस तरीके से उसका दुरुपयोग हुआ। हमने बड़ी मुश्किल से कुछ दाखिले करवाए लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि दाखिले थे कितने और किए कितने विद्यालय में गए। तीसरा मुद्दा उसके अंदर अल्पसंख्यक विद्यालयों को लेकर के भी है। एक मुद्दा उसके अंदर इस बात के लिए भी है कि सरकारी नियम के अनुसार 35 बच्चों से ज़्यादा कक्षा 5 तक और कक्षा 6 से 12 तक 40 बच्चों से ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन विद्यालय नियमों को ताक पर रखकर 50, 60, 70 बच्चे एक ही कक्षा के सेक्शन के अंदर पढ़ाते हैं और उससे बच्चों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते तो टीचर्स हैं वहाँ के और उन बच्चों को अधिक पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन की व्यवस्था करनी पड़ती है और ट्यूशन से आर्थिक बोझ अभिभावक को पड़ता है। ये एक सरासर गलत है। ऐसे इसके अंदर और भी कई चीज़ें हैं और हम चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये लागू हो और जो सरकार के नियम है वो लागू होने चाहिए और उन पर काम होना चाहिए। शिक्षा विभाग का जो रवैया है वो ठीक नहीं लगता।